अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज ज़रूर पढ़ते होंगे और अपना ख्याल भी बहुत सारा रख रहे होंगे। व्लॉग और सब चीज़ें आने में बहुत लेट हो रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो यहाँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में बताती हूँ। लोगों को समझ तो आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने अभी यहाँ पर नाम लिया है तो आप लोगों ने सुन तो लिया होगा। तो रशमान की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, इनकी फेस की स्माइल देखने के लिए ही मैं इनको सरप्राइज़ दे रही थी। और फिर जब हम बच्चे होते हैं और हम मतलब दोबारा से एक तरह से कह लीजिए कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी खुशियों के लिए हम जी रहे होते हैं, तो ये सब माँ बाप के साथ होता होगा। जैसे मैं फ़ील करती हूँ रशमान के लिए या रुहान के लिए, तो इसी तरह सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुशियाँ अवेल करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप कहीं भी ना भी जाएं लेकिन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं निकलना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा था मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाऊंगी और काफ्तान स्टाइल की ड्रेस, कब से मेरे पास ये शर्ट रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलें इसके साथ पैंट के साथ ही मैं इसको पहन लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी करके हम निकल गए थे। तो मैं बच्चों के लिए कह रही थी कि हम एक दफ़ा बचपन दोबारा जी रहे होते हैं और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और किसी दिन ऐसा बन जाना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अच्छा ये स्टॉल लगा हुआ था बच्चों के हवाले से। बचपन से मेरी आदत है कि मैं जो हूँ वो ऐसे स्टॉल्स को ना बहुत पसंद करती हूँ। इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सस्ती सस्ती मिल रही होती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। साथ साथ जो है मैंने देखा कि मतलब यहाँ पर क्या है, तो रेज़र वगैरह और ऐसी कुछ चीज़ें थी तो फिर मैंने लेने की कोशिश करी। तो इनके बाबा आगे बढ़े जा रहे थे तो मैं जो है वो फिर भाग के आगे बढ़ी, मैंने कहा वो आगे निकल जाएंगे। तो बस मैं दिखा नहीं सकी वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस रात का टाइम ही था। तो बस फिर मैं जो भागकर अंदर आ गई थी इनके साथ ही और फिर इनकी ज़िद चलना शुरू हो गई थी क्योंकि अरशमान जो हैं वो कह लीजिए ये सेकेंड या थर्ड टाइम होंगे इस तरह राइडिंग पे आने। और रुहान का जो है वो बिल्कुल कह लो कि फ़र्स्ट टाइम ही है, वो तो बस अभी समझ लीजिए ज़िंदगी के स्टार्टअप पे ही है, छोटा सा ही है। तो फिर उसके लिए तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हम लोग आए थे किसी राइड पे, तो वो बस वो भी टुकड़ टुकड़ देख ही रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी दिनों बाद मैं भी निकली हूँ और ऐसे लाइटिंग के उसमें बच्चों के साथ तैयार होकर टाइम स्पेंड करना और निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर रोज़ ऐसा करना। लेकिन अरशमान का जो है वो यहाँ कार्स के उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था कि कहते हैं हाँ मैं बैठूँगा। तो थोड़ा सा टाइम की बचत करते हुए क्योंकि रात हो चुकी थी तो जितने हो सके हम लोगों ने जो है वो राइड लिए और जिसमें टाइम स्पेंड था ना वो हमने छोड़ दिए थे कि हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है वो बैठ जाएंगे। काफ़ी तो खाली ही थे लेकिन जो कार्स पे बैठने को कह रहे थे वो काफ़ी रश की तरफ था ना, तो हम लोग जो है उस पर नहीं बैठे थे। अब जो है पहली दफ़ा जो समझ लीजिए गोल टावर पे फर्स्ट टाइम मैं बैठूंगी, कभी मैं किसी कज़न के साथ नहीं बैठी अपनी कह लीजिए कि खाला वाला के उसमें जाने में इंसान जाता है बचपन में, तो मुझे बहुत डर लगता था इस टावर से। लेकिन मेरे मियाँ ने जो है ना मेरा इस पे से डर निकालने की कोशिश करी, कहते नहीं मैं बिठाऊँगा मैं तुम्हें इसी पर बिठाऊँगा। मैंने कहा आप बैठेंगे तो फिर मैं बैठूँगी, क्योंकि इंसान कुछ भी कर ले लेकिन मियाँ के साथ जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं डरती हूँ, चूज़े हैं ये तो मेरा डर निकालने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। अच्छा हम गोल टावर में बैठे तो फिर इन्होंने जो है ना सामने से कहा अब मैं वीडियो बनाऊँगा, तो फिर इन्होंने मेरी वीडियो बनाई तो वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं शेयर कर सकती, लेकिन काफ़ी डर लग रहा था, आप लोग देख नहीं सकते, मुझे काफ़ी डर लग रहा था मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकती। अच्छा यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों के टॉय एरिया में, जहाँ पर जो कह लीजिए कि ये इनका काफ़ी दिनों का काम होता है, ये तो हमेशा लेते रहते हैं। तो फिर जो है अच्छा रुहान के तो ये भी फर्स्ट सेकंड टाइम ही समझ लीजिए है, क्योंकि रुहान को हमने काफ़ी दिनों का ऐसी राइड्स नहीं दिलवाई थी, तो काफ़ी जो है इनके टॉय जो है वो बंद थे। मैंने कहा भी कि ये जो है बंद क्यों हैं, तो इन्होंने कहा कि मतलब या तो रश की वजह से बंद किया हुआ होगा। अच्छा फिर अरशमान का जो है वो हर चीज़ पे बैठ बैठ के खुश होते रहे। और रुहान का जो है वो किसी में डर था और किसी में बिल्कुल नहीं डर था, तो ये जो है वो एक फ़न कार्ड लेकर आए थे जिसको जो है हम एक दफ़ा चार्ज कर दें उसके बाद फिर
हम इसी को लगाते रहें और आराम से बच्चे जो है वो राइडिंग लेते रहें। तो भैया के साथ जो है ये बैठे इस वाली कार पर, और इस वाली कार पे जो है वो इनको काफ़ी जो है वो मतलब उतरने का दिल ही नहीं कर रहा था उरहान का। तो मैं उरहान को ये देख रही थी कि उरहान जो है वो माशाल्लाह इंशाल्लाह निडर बनेगा, और अरशमान तो हैं ही माशाल्लाह मेरे शोखी वाले बेटे, तो उनका जो है वो एक नया अंदाज़ होता है कि बस उन जाना ही नहीं है इस जगह से बाहर। अच्छा, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि बच्चों के लिए और कहाँ पर कोई अच्छी जगह बेहतर है कराची में अगर आप लोग रहते हैं तो अगर कोई अच्छी जगह जो कि आप लोग जानते हों और ज़्यादा रेट में भी ना हो। हम लोग ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी जगहें हों। तो उरहान का देखें ऐसा लग रहा है जैसे हॉर्स पे, सच्ची में हॉर्स पे बैठा है, और हॉर्स की जो है वो निकुल कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से पकड़ रहा था इनके पापा कहते हैं, तो ऐसा लग रहा है वाकई में घोड़े पे बैठ गया है और माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। हम लोग सोच रहे थे ये शायद डरेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, काफ़ी मज़े से आराम से बैठा हुआ था। बच्चों ने यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मतलब इस जगह पर, क्योंकि यही एक सुकून की जगह थी जो बच्चों को वसन आ जाती है, और हान के जो है वो मज़े नहीं ख़त्म हो रहे थे माशाल्लाह। अरशमान का भी ये दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से बाहर निकले और कहीं और भी मम्मा बाबा जाएं, तो बस यही हो रहा था कि मम्मा बाबा यहीं बिठा के रखें और हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन हम लोग इनको किसी तरह से भी कह लीजिए कि बाहर लेकर आए कि बस हम लोगों ने कार्ड ख़त्म कर दिया, अब आप लोग बाहर आ जाओ। यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सकी क्योंकि हॉर्स पे बिठाया इनको, कार्स में बिठाया, और इसके अलावा फिर दो तीन टॉयज जो हैं वहाँ पर ख़राब भी थे, तो मुझे जितना मतलब हम लोग बिठा सके और मैं जितनी वीडियो बना सके मैंने बनाई, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बाहर आ गए थे। तो ये तो मुझे बार बार गुलगप्पे की ऑफ़र करवाया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा गला जो है ना वो पहले ही बहुत ख़राब है, तो इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आप कलवर ले आइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली थी आइसक्रीम जो है वो वनीला और कह लीजिए स्ट्रॉबेरी थी। ये भी मैं नहीं खाती, लेकिन जब मियाँ कुछ कहना तो खाना पड़ता है, तो इन्होंने कहा तुम मेरे कहने से एक दफ़ा खा लो, लेकिन बहुत मज़े की लगी मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मुझे कभी इतने मज़े की नहीं लगी। लेकिन बस कहते हैं कि जो मोहब्बत करने वाला आपको खिला रहा होता है तो फिर उसके खिलाने का दिल देखा जाता है। हम लोग वापस निकल गए थे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।